وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. سورہ جاثیہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا اور 22 نمبر کی آیت تک گفتگو پہنچی تھی اور آج پھر ہم اسی آیت سے اپنی بات شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں کے اوپر یہ جو بدلے کی بات ہے یہ ان خیالات کی تردید ہے کہ بے دین اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ عالم و جاہل اور دیندار اور بے دین سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض بے دین دینداروں سے بھی بہتر. تردید کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی آخرت کا حساب باقی ہے اور واقعی فیصلہ
वहीं होने वाला है। और आखिरत की ज़रूरत की सबसे बड़ी दलील भी यही है कि दुनिया में फ़ैसला नहीं हुआ है और यहाँ बेदीन बदअकीदा अफराद भी मज़े करते रहे हैं। लिहाजा एक आखिरत दरकार है जहाँ बेदीनों को सज़ा दी जाए और दीनदार नेमात इलाहिया में ऐश कर सकें। ये गुफ्तगू उलमा के दरमियान में, मुफस्सरीन के दरमियान में है कि अल्लाह को अगर जज़ा देनी थी, इनाम देना था, तो दुनिया ही में क्यों नहीं दे दिया और आखिरत को क्यों रखा। भाई दुनिया में जज़ा देनी थी, नमाज पढ़ती, दुनिया में जज़ा दे देता कि लो तुमको, तुमने नमाजें पढ़ी हैं, ये तुम्हारी जज़ा है, ये तुमको महल दिए देते हैं। तुमने रोज़ा रखा तो फिर ये तुम्हारी जज़ा है, ये तुम्हारा इनाम है, तुमको इतना माल दिए देते हैं। तुम हज करके आए हो, तुमको ये वाड़ी दिए देते हैं। तुम देखो ये करके आए हो, तुमको पर इस शहर का गवर्नर बनाए देते हैं। तो दुनिया ही में अल्लाह ने जज़ा क्यों नहीं रखी और ये आखिरत ही को जज़ा के लिए मखसूस क्यों किया। इसमें एक लंबी गुफ्तगू है, लंबी बहस है और खुलासा उसमें यह है कि दुनिया जाए जज़ा है ही नहीं है, बदले की जगह दुनिया है ही नहीं है। और अगर दुनिया में जज़ा दी भी जाए तो भी आप कैसे जज़ा दोगे, इसलिए कि इंसाफ नहीं हो सकेगा, अदालत नहीं हो सकेगी। आप कहेंगे कि ठीक है तुमने नमाजें पढ़ी हैं, तुमको हम एक अच्छी सी मर्सिडीज गाड़ी दे रहे हैं, तो ये मर्सिडीज गाड़ी तो जालिम लोग भी जो है लेके टहल रहे हैं और जो जाबिर लोग हैं और जो बेदीन लोग हैं वो भी लेके टहल रहे हैं, तो फिर दीनदार में और बेदीन में फ़र्क क्या हुआ। तो दुनिया जाए जज़ा नहीं है, ये इनाम यहाँ मिली नहीं। मसलन अब अगर अल्लाह रसूलुल्लाह को दुनिया में जज़ा देना चाहे तो क्या देगा। अगर दुनिया में अइम्मा अलैहिस्सलाम को इनाम देना चाहे तो क्या इनाम देगा दुनिया में। अगर किसी नेकी का बदला हो तो क्या, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे इसके बदले में। अब जो बेदीन हैं, जो दीन से हटे हुए हैं या इस्लाम दुश्मन हैं या अल्लाह दुश्मन है, वो भी तो वैसे ऐश आराम। आप कह रहे कि तुमको ये ऐश दे दिया, ये खाना दिया, ये सवारी दी, अच्छी से अच्छी सवारी ले लो, अच्छे से अच्छा खाना ले लो, अच्छे से अच्छा कपड़ा ले लो। अगर ये इनाम के तौर पर आप किसी को दे रहे हो तो जो बेदीन है वो भी तो अच्छी सवारी में घूम रहा है, वो भी तो अच्छे उसमें मकान में रह रहा है। लिहाजा दुनिया जज़ा की जगह नहीं। हाँ बाज़ नेकियाँ हैं कि जिनमें अल्लाह बहरहाल किसी न किसी लिहाज से उसका असर दुनिया में जाहिर होता है और या वो खैर व बरकत का सबब वो इबादत करार पाती हैं और दुनिया में इंसान को उसका फ़ायदा हासिल होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में बिल्कुल जज़ा और इनाम नहीं है, लेकिन खुलासा ये कि कुल्ली तौर पर दुनिया जज़ा और सज़ा की जगह नहीं। इसी तरीके सज़ा भी दुनिया में नहीं दी जा सकती है। इस वजह से अल्लाह ने दुनिया को आजमाइश के तौर पर रखा है, इम्तिहान के तौर पर रखा है और आखिरत को जज़ा और इनाम के तौर पर रखा है कि तुम यहाँ ज़िंदगी गुजार लो जैसे भी गुजारना चाहते हो। हाँ आखिरत में जैसी तुमने गुजारी होगी ज़िंदगी उसी के मुताबिक हम तुमको जज़ा देंगे, उसी के मुताबिक इनाम देंगे। अगर वाकई जज़ा के लायक हो तो जज़ा मिलेगी, अगर सज़ा के लायक हो तो सज़ा मिलेगी। क्या आपने उस शख्स को भी देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश ही को खुदा बना लिया है और खुदा ने इसी हालत को देखकर उसे गुमराही में छोड़ दिया है और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी है और उसकी आंख पर पर्दे पड़े हुए हैं और खुदा के बाद कौन हिदायत कर सकता है, क्या तुम इतना भी गौर नहीं करते हो। अब यहाँ के ऊपर भी ये जो कि अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया, अगरचे ये ताबीर आपको बहुत सी रवायतों में हदीसों में मिलेगी कि जहाँ के ऊपर लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को दीन बना लिया है, जैसे इमाम हुसैन ने करबला में पहुँचने के बाद ये जुमला इरशाद फरमाया था कि दीन तो खाली बस लोगों की ज़बानों के ऊपर है और उन्होंने ख्वाहिशात ही को अपना दीन बना लिया है, ख्वाहिशात ही को दीन समझ लिया है। दुनिया में बहुत कम अफराद ऐसे हैं जिन्होंने खुदा को खुदा समझा हो और ख्वाहिशात की खुदाई का दरपर्दा इकरार न किया हो, यानी जो दरपर्दा ये जो ख्वाहिशात हैं इनकी खुदाई का इकरार, बहुत कम ऐसे लोग हैं
वरना हम कहते तो हैं कि हाँ अल्लाह एक है और अल्लाह ही का इख्तियार है और अल्लाह ही की कुदरत है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुदरत हमारे नफ्स की शामिल तो होती है उसमें। कितने ही हम अल्लाह वाले बन जाएं, कितने ही दीनदार बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारा नफ्स शामिल हो ही जाता है दुनिया में किसी न किसी अमल में, कितना ही हम पाक करें। ख्वाहिशात के बंदे हुदूद मजहब के बाहर भी पाए जाते हैं और हुदूद मजहब के अंदर भी हैं, यानी वो लोग भी आपको ख्वाहिशात के बंदे मिलेंगे कि जो मजहब से जिनका ताल्लुक ही नहीं, वो तो है ही हैं ख्वाहिशात के, जो मजहब का एक तरीके से जो मजहबी तौर पर पहचाने जा रहे हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं से तो ख्वाहिश का अमल दखल है ही है। तो हुदूद मजहब के अंदर भी, बल्कि कभी कभी मजहब के नाम पर भी जान देने वाले भी दरअसल ख्वाहिशात ही के बंदे होते हैं कि उनका जान दे देने का फैसला भी ख्वाहिशात की पैदावार होता है और इसका हुक्म खुदा से कोई ताल्लुक नहीं होता। गोया कि ये ख्वाहिशात को कुर्बान करने के बजाय ख्वाहिशाती कुर्बानी पेश करते हैं और इस तरह शहादत के शरफ से महरूम रह जाते हैं। शरीयत के कवानीन दरअसल इसीलिए बनाए गए हैं कि इंसानी ख्वाहिशात पर रोक लगाई जाए और इंसान को एक ऐसा मेयार, एक ऐसी क्वालिटी दी जाए कि उससे इन्हराफ ख्वाहिशात की खुदाई के मुतरादिफ हो जाए, उससे हलक हो जाए, इसका नाम भी जो रख लिया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बाज़ लोग अहकाम शरीयत में भी हेरा फेरी करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद से तकलीद तक बदल देते हैं। हम सब तकलीद इसकी नहीं करेंगे, उसकी करेंगे, उसकी नहीं करेंगे, इसकी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हुक्म बता रहा है उसके लिए हमारा चलना मुश्किल है, लिहाजा इसके ऊपर हम नहीं बनेंगे, इसकी तकलीद नहीं करेंगे, इसकी तकलीद करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं से ख्वाहिशाती का दखल होता है और फिर दूसरे आलम की राय का सहारा लेकर अपने मकसद को पूरा कर लिया करते हैं। ये भी दर हकीकत ख्वाहिशात ही की खुदाई का एक नमूना है, वरना तकलीद का एक मेयार मुय्यन है और इसकी तब्दीली का भी एक मेयार मुकर्रर है, जिससे हटकर कोई चीज हुदूद इताअत इबादत में दाखिल नहीं हो सकती। खुदा हर इंसान को खुद उसके नफ्स के शर से महफूज रखे, क्योंकि जो नफ्स है इसका शर ऐसा शर है कि जो दिखता नहीं है और ये शर कर जाता है और हम उस शर का शिकार हो जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं से हमारा नफ्स, हमारे ख्वाहिशात हमारे दीन में शामिल हो जाती है, चाहे हमारी इबादत हो इनमें भी हमारी कहीं ना कहीं से ख्वाहिश शामिल हो जाती है, चाहे हमारी आज़ादारी हो उसमें भी कहीं ना कहीं से हमारी ख्वाहिशात शामिल हो जाती है, चाहे हमारी सामाजिक जिंदगी हो उसमें भी कहीं ना कहीं से ख्वाहिशात आ जाती हैं, चाहे हमारी पर्सनल जिंदगी हो उसमें भी कहीं ना कहीं से ख्वाहिशात का दखल होता है। और ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ जिंदगानी है, दुनिया है, इसी में मरते हैं और जीते हैं और जमाना ही हमको हलाक कर देता है और इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि ये सिर्फ इनके ख्यालात हैं और बस। जाहिर सी बात है कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है, जरा सा इंसान अगर गौर करे तो खुद इंसान को आखिरत समझ में आ जाएगी कि जो परवरदिगार आलम इतनी खूबी के साथ, इतने हुस्न के साथ और इतनी हिकमत के साथ इतनी बड़ी कायनात खल्क कर सकता है और इस कायनात में निहायत हिकमत के साथ हमको खल्क करके भेज सकता है, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इस दुनिया के बाद इससे भी अच्छी दुनिया हमारे लिए खल्क कर दे और उसी को हमारे लिए जजा और इनाम के तौर पे करार दे। और जब इनके सामने हमारी खुली हुई आयतों की तिलावत होती है तो उनकी दलील सिर्फ ये होती है कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ। ये मुख्तलिफ मुतालबात होते थे अंबिया अलैहिस्सलाम से, कभी बाज़ तो मुतालबात ऐसे होते थे कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने खुद रोका है टोका है कि तुम ईमान लाओ या ना लाओ, ऐसा नहीं होगा। मसलन उन्होंने कहा कि हम ईमान उस वक्त लाएंगे जब आसमान हमारे ऊपर गिर पड़े, तो ये आसमान गिरेगा तो तुम कहाँ रहोगे? हैं कुरान में कि अंबिया के सामने बाज़ अफराद आए और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाएंगे लेकिन जब लाएंगे जब आसमान हमारे ऊपर फट पड़े, तो
तो अगर आसमान तुम्हारे ऊपर फाट पड़ेगा तो तुम कहाँ रहोगे। तो इस किस्म का जो निज़ाम खिलकत में खलल जहाँ से हो, ऐसी कोई बात नहीं कबूल की जाती है और ऐसा कोई मुतालबा नहीं तस्लीम किया जाता है। मोजज़ा एक खारकुल आदत शय का नाम है, एक ऐसी शय कि जो इंसान को, इंसान उस काम से आजीज हो। हाँ, बाज मौकों के ऊपर मुर्दों को जिंदा करके, मरीजों को अच्छा करके अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी मोजज़े को साबित किया है और अपनी नबूवत को बतलाया है। आप कह दीजिए कि खुदा ही तुमको भी जिंदा रखे है, फिर एक दिन मौत देगा और आखिर में सबको रोजे कयामत जमा करेगा और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते हैं। और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान का मुल्क है और जिस दिन कयामत कायम होगी उस दिन अहले बातिल को वाकईन खसारा और नुकसान होगा। जाहिर सी बात है कि जब कयामत आ जाएगी तो उस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि हम जिसका इनकार करते थे, जिसको हम मानते नहीं थे, जिसको हम झुठलाते थे, आज तो वही दिन हमारे सामने आ गया और हमसे, हमारी जिंदगी के आमाल के मुतालिक सवाल हो रहा है और हमसे मुतालबा हो रहा है। और आप हर कौम को घुटने के बल बैठा हुआ देखेंगे, पैगंबर से खिताब हो रहा है कयामत के दिन, आप हर कौम को घुटने के बल बैठा हुआ देखेंगे और सबको उनके नामे आमाल की तरफ बुलाया जाएगा कि आज तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला दिया जाएगा। देखिए कयामत के दिन में जो हाजिर होने की या उठने की या खड़े होने की ताबीरात अलग अलग तरीके से आई हैं। जैसे यहाँ के ऊपर है कि आप सबको घुटने के बल बैठा हुआ देखेंगे। घुटने के बल कैसे, यानी ऐसे जैसे तरीके से बैठते, दो घुटने होके बैठे, ये घुटनों के बल इस तरीके से ऐसे बैठेंगे, ये घुटनों के बल ऐसे देखेंगे कि क्या हो रहा है, अचंभे से देखते हैं। एक ताबीर ये है कि लोग भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। एक ये है कि जोक दर जोक कब्रों से निकाले जाएंगे, यानी गरोह दर गरोह कब्रों से निकलेंगे। ये सब अलग अलग ताबीरात हैं और ये सब होगा, सब होगा, यानी गरोह दर गरोह भी निकलेंगे, घुटनों के बल भी बैठेंगे। ये तीनों बातें जमा, चारों बातें, जितनी भी बातें सब जमा हो सकती हैं। कोई टकराव नहीं है कि एक जगह कहा कि हम गरोह दर गरोह निकालेंगे, एक जगह कहा हम भागेंगे और माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, और यहां पर कह रहे हैं घुटनों के बल बैठे होंगे। तो ऐसा नहीं कि इनमें कोई टकराव हो, कोई तजाद हो, ये सब होगा। यानी कब्रों से गरोह दर गरोह निकलेंगे भी, घुटनों के बल बैठेंगे भी, एक दूसरे को देख के भागेंगे भी, ये सब होगा, सब सबके साथ। ये हमारी किताब नामे आमाल है जो हक के साथ बोलती है और हम इसमें तुम्हारे आमाल को बराबर लिखवा रहे थे। अब जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उन्हें परवरदिगार अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा और यही सबसे नुमायां कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, तो क्या तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत नहीं हो रही थी? लेकिन तुमने अकड़ से काम लिया और बेशक तुम एक मुजरिम कौम थे। और जब ये कहा गया कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं है, तो तुमने कह दिया कि हम तो कयामत नहीं जानते, हम उसे ख्याली बात समझते हैं और हम उसका यकीन करने वाले नहीं हैं कि कयामत आएगी। और इनके लिए इनके आमाल की बुराइयां साबित हो गईं और इन्हें इसी अजाब ने घेर लिया, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और उनसे कहा गया कि हम तुम्हें आज इसी तरह नजरअंदाज कर देंगे जिस तरह तुमने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था, और तुम सबका अंजाम जहन्नम और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। कयामत के दिन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया होगा, जिन लोगों ने शिर्क किया होगा, जो लोग अल्लाह के रास्ते से हटे होंगे, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इसी सूरह जासिया की आयत में इरशाद हो रहा है कि हम कयामत के दिन उनको भुला देंगे। भुला देने का क्या मतलब? क्या जैसे तुमने हमको दुनिया में भुलाया था और हमको याद नहीं करते थे, यानी हम
क्या मतलब? हम तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, तुम जहन्नम में जाते हो या कितने सख्तियों तकलीफों में रहते हो, तुम्हारी हमको कोई परवाह नहीं होगी। ये सब इसलिए है कि तुमने आयात इलाहिया का मजाक बनाया था और तुम्हें जिंदगान ये दुनिया ने धोखे में रखा था। तो आज ये लोग अजाब से बाहर नहीं निकाले जाएंगे और उन्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। सारी हम्द उसी खुदा के लिए है जो आसमान और जमीन और तमाम आलमीन का परवरदिगार और मालिक है। उसी के लिए आसमान और जमीन में बुजुर्गी और किबरियाई है और वही साहिब इज्जत और हिकमत वाला है। ये 37 आयतें हैं सूरह जासिया की जो आज यहाँ गुबर तमाम हुई। इसके बाद इंशाल्लाह सूरह अहकाफ है जिसकी तिलावत इंशाल्लाह आने वाले दर्स में आपकी खिदमत में की जाएगी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللجين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برده على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء अफा बिन मतिल्ला यजहदून। अज़ान ग्रामी आपकी खिदमत में पिछले संडे भी कुछ बातें अर्ज की थी और आज आपकी खिदमत में रिस्क के हवाले से कुछ बातें अर्ज करना। परवरदिगार फरमाता है फज़ला बाज़ुकुम अला बाज़ फिर रिस्क, हमने बाज़ लोगों पर रिस्क के सिलसिले में फजीलत दी। फिर इनके किरदार को भी बयान कर रहा है फज़ला बाज़ुकुम अला बाज़ फिर रिस्क फमल लजीना फुज़लु बेराद देही अला मा मलकत ऐमानहुम फहुम फी सिवा अफा बिनिमतिल्ला यजदून। हमने जिन लोगों को रिस्क में फजीलत दी है, जिन्हें ज़्यादा रिस्क दिया, ये अपने नीचे अला मा मलकत जो भी इनकी मिल्कियत में है, ग़ुलाम खादिम नौकर, ये इनको देने वाले नहीं। अला मा मलकत फहुम फीह सिवा, जबकि रिस्क के सिलसिले में दोनों बराबर है, मालिक भी ग़ुलाम भी। मकान की ज़रूरत उसे भी है इसे भी है, खादिम की ज़रूरत उसे भी है इसे भी है, शादी ब्याह उसे भी करना है इसे भी करना है, बीमारी का इलाज इसे भी करना है उसे भी करना है। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बाज़ इंसानों पर रिस्क के सिलसिले में फजीलत दी, लेकिन जिसे रिस्क में फजीलत दी है वो अपनी मिल्कियत में जो ग़ुलाम खादिम हैं उनको देने वाले नहीं हैं। अफा बेनेमतिल्ला यजहदून, तो क्या ये अल्लाह की नेमतों को का इनकार करने वाले नहीं हैं? यानी अगर अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है, रोज़ी दिया है, तो उसको खर्च करने के भी तरीक़े इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं। अगर हम उस एतबार से चल रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी कामयाब तरीन ज़िंदगी है। अब हर इंसान जिसके पास दौलत है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी, हर इंसान ये चाहता है कि हम कौन सा काम करें, कौन सा अमल करें, कौन सी दुआ पढ़ें, कौन सी नमाज पढ़ें कि हमारे रिस्क में इजाफा। जबकि आप देखिए, जितनी ज़्यादा हम अपने ऊपर जिम्मेदारियों को बढ़ाते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा अल्लाह के यहाँ बात खुल होगी। तो अब रवायतों में मिलता है कि अगर इंसान ये चाहता है उसके रिस्क में उसत हो तो 4 रकात नमाज बताई कि इस नमाज को पढ़े किसी भी वक्त, जिस वक्त उसे फुर्सत है, नमाज से पहले बाद में जब भी। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, कब उसके पास टाइम है कब नहीं है। तो पहली रकात में सूरह हम्द के बाद इस आयत को
25 मरतबा पढ़े, उफव्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद, पहली रकात में। दूसरी रकात में सूरह हम्द के बाद 25 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतो मिनज़्ज़ालिमीन, तशहुद सलाम। फिर दो रकात, पहली रकात में हम्द के बाद क्या पढ़ेगा 25 मरतबा, हस्बे अल्लाहो निअमल वकील, 25 मरतबा। और चौथी रकात में अलहम्द के बाद क्या पढ़ेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, ये पढ़ेगा। एक रवायत जो है अल्लामा मजलिसी रहमाने और दूसरी दुआओं की किताबों में उन्होंने भी नकल किया है, बहुत से वास्ते के साथ ये रिस्क की उसत के लिए वारिद हुई है। और जो बहुत से आरिफीन हैं उन्होंने भी इस आयत को दूसरे आमाल में किसी न किसी बुनियाद से रखा, खास तौर से उसत रिस्क के लिए, कि अगर इस नियत से। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने इस रवायत को मौलाए कायनात से नकल किया, तीन वास्तों से नकल किया, कि सबसे पहले जब इस अमल को शुरू करे तो नमाज हाजत पढ़े, उसके बाद पहले दिन के अमल हैं गुस्ल करे, नमाज हाजत पढ़े, 100 मरतबा सलवात पढ़े, और उसके बाद सूरह तिलाक की ये आयत, मैं यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजं व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, इन्नल्लाह बालिगुल अम्र कद जअलल्लाह लिकुल्लि शयइन क़दरा। ये जो है 161 मरतबा, ये 40 दिन का अमल, 161 मरतबा ये पढ़ता जाएगा, लेकिन जब 40वां दिन आएगा तो 161 के बजाय 179 मरतबा पढ़ेगा और 100 मरतबा सलवात पढ़ेगा इंशाअल्लाह। यानी इतने लोगों ने तजर्बा किया है कि या तो दरमियान में ही उसते रिस्क के असबाब फराहम हो जाएंगे या खत्म होते होते इंशाअल्लाह जरूर जो है ये असबाब पैदा हो जाएंगे। किसी ने मौलाए मुत्तकियान से पूछा, मौला रिस्क के सिलसिले में कुछ बताएं, बहुत परेशानी चल रही है, कोई जमाना ऐसा नहीं रहा जब रिस्क की फरियाद न रही हो, अच्छे हालात चल रहे हो, इसलिए कि ख्वाहिशात की कोई लिमिट ही नहीं, अगर उसकी कोई घेराबंदी हो कि हमको इतना मिल जाए ठीक है, इतना मिला हमारे अगले महीने इतना था, अभी इसका डबल चाहिए इसका डबल चाहिए, तो ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं, जब लिमिट नहीं है तो रिस्क भी जितना भी मिलता जाए कम ही नजर आता है। तो मौला ने फरमाया इस तंजिलु रिस्क बिस सदका, अपने रिस्क को सदका देकर आसमान से उतारो, यानी अगर रिस्क के सिलसिले में सख्ती बढ़ती जाती है तो तुम सदके के जरिए से आसमान से अपने रिस्क को उतार सकते हो, यानी वो है आसमान पर। इसीलिए जब तुम सदका निकालोगे किसी गरीब तक पहुंचाओगे तो तुम्हारे लिए बाबे इजाबत खुल जाएगा, मौला फरमाते और तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुंचाएगा। फिर किसी ने पूछा तो मौला ने फरमाया मन अजमला फित तलबे अताहु रिस्कहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से मांगने में, दुआ करने में, मांगने में हुस्न सलीका का, हुस्न सलीका का मुजाहरा करता है, अल्लाह उसके रिस्क को बेहिसाब कर देता है। यानी मांगने के भी तरीके होते हैं, अजान हो रही हो दुआ का वक्त है, अजान को दोहराना रिस्क में इजाफे का सबब है, बारिश हो रही हो उस वक्त जो है हिजाबात हटे होते हैं कि अल्लाह की पहले हम करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़े, फिर अपने मोमिन की हाजतों को बयान करे, फिर अपनी करे, तो तरीके भी बताए हैं कैसे किया जाए।
रसूलुल्लाह से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे रिस्क में इजाफा हो। पैगंबर की खिदमत में पहुंचा, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया दुम अलग तहारत युअस्सा फिर रिस्क, जो इंसान हर वक्त बातहारत रहता है, पाक व पाकिजा रहता है, बावजू रहता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता चला जाता। फिर मौलाए मुत्तकियान के पास किसी साहिल ने सवाल किया, मौला बहुत परेशानी चल रही, कुछ बताएं ताकि रिस्क में इजाफा हो सके। तो मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया मवासातुल अख फिल्लाह अज़्ज़ोजल्ला तजीदु फिर रिस्क, जो अपने दीनी भाई से, ये कौन है शिया, ये कौन शिया, ये कौन शिया, ये कौन है अहले बैत का चाहने, जो अपने दीनी भाई से अच्छा सलूक करता है, इसकी मदद करता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है। फिर पूछा कि मौला कोई चीज बताएं ताकि जो है हमारे रिस्क में इजाफे का सबब हो छठा पांचवें इमाम से। तो पांचवें इमाम ने फरमाया अलैका बिद्दुआ लिखवानिल मुमिन बेजहरिल गैब फइन्नहू यहीलो फिर रिस्क, जो मोमिन की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता, सामने आपने किया अल्लाह आपके बरकत दे, ये नहीं, ये सामने मौजूद नहीं, फिर भी उसके लिए मुसल्ला इबादत पर दुआ के बाद हाथों को उठाए हुए हैं, परवरदिगार फला मोमिन की रिस्क में उसा पता कर, उसे सेहत अता कर, उसे सलामती अता कर, उसके कारोबार में उसा पता कर। तो पांचवें इमाम फरमाते हैं इसकी अल्लाह इसके रिस्क में इजाफा करता, हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान होता। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा करे तो हम चाहे दुकान पे पहुंचे, चाहे ऑफिस पे पहुंचे, चाहे मस्जिद में पहुंचे, जब सिलसिले दुआ को शुरू करें तो पहले दूसरे मोमिनीन को याद करें, जब उसकी गैबत में उसके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह खुद ब खुद आपके रिस्क में इजाफा कर देगा। फिर छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला रिस्क की प्रॉब्लम है क्या किया जाए, तो मौला ने फरमाया मन हसना बिर्रहू अहल बैत ज़ीदु फिर रिस्क, जो अपने अहलो अयाल के साथ नेकी करता है, यानी घर वालों का भी ख्याल रखता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में हम नेक बन जाएं, महल्ले में नेक बन जाएं और घर वालों के लिए जालिम बन जाएं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे रिस्क में इजाफा हो तो घर वालों के साथ भी अच्छा सलूक। फिर किसी ने फरमाया हुस्नुल खल्क यजीदो फिर रिस्क, जो अखलाक हसना का मुजाहरा करता है, बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है। इसी तरीके से छठे इमाम ने फरमाया कि अजान को दोहराते रहना रिस्क में इजाफे का सबब है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसको ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसके रिस्क को ज्यादा कर दिया जाए, कुशादा कर दिया जाए, तो वो अपने वालिदैन के साथ सिलह रहमी करे, अच्छा सलूक करे। ये क्या है, उनके पास सब कुछ है, अल्लाह ने दिया, बच्चे के पास भी सब कुछ है, लेकिन बगैर मुतालबे के उनकी जरूरतों को महसूस करके उसे पूरा करना ये नेकी। हमारे पास गुलाम है, खादिम है, सब कुछ है, हम उनको दवा खादिम दे दे, खाना काम वाली गई दे दिया, नहाने के लिए गए लिबास दे दिया, लेकिन ये नेकी तो है, लेकिन बिल वालदैन एहसाना, जो अल्लाह ने कहा कि वालदैन के साथ एहसान करो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बनफ्स नफीस उस काम को अंजाम दो। अगर ये खादिम से आप करवा रहे हैं, काम वाली से करवा रहे हैं, तो नेकी तो है, लेकिन कुरान की नजर में बिल वालदैन एहसाना नहीं है। यहां बिला फासला आप खुद बनफ्स नफीस नाश्ता लेके गए, दो मिनट बैठे, वालिद मां नाश्ता कर रहे हैं, देख रहे हैं, और किसी चीज की जरूरत कुछ,
यहां जो मोहब्बत का अंसुर पाया जा रहा है वो उनकी सेहत को जो है अच्छा करता चला जाता। खाली रजा की जरूरत नहीं पड़ती, एहसासात भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। छठे इमाम फरमाते हैं जो कोई सूरह मुबारक हश्र 59 नंबर का सूरा है किसी भी हाजत के लिए पढ़े, शुरू कर लिया आज नियत की कि नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं है 59 नंबर का सूरा है, अगर आप डेली पढ़े तो दो चार मिनट की बात है। हुसूल हाजात और हल मुश्किलात, कोई भी काम फंसा हुआ है, कोई भी मुश्किल है, इसके लिए अगर इंसान पढ़ता है तो जो आदमी उसको 40 दिन रोजाना एक बार पढ़ता रहे तो उस आदमी की हाजत बढ़ आएगी और उसका मतलूबा काम बखैर को भी सर अंजाम होगा और दूसरे मतालिब भी पूरे होंगे, जिस काम के लिए नियत की हो तो होंगे, दूसरे भी इसके पूरे होंगे। अगर 40 दिन के दौरान भी एक नागा हो जाए, गैप हो जाए, तो फिर इस अमल को फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसका तजर्बा बेशुमार अफराद ने किया है, लिहाजा हमें इन चीजों की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। इंशाल्लाह अगले संडे अगर इसमें कुछ इजाफा कर सका तो आपकी खिदमत में इस सिलसिले को फिर से कुछ नई बातें आपकी खिदमत में रिस्क के इजाफे के सिलसिले में की जाएंगी। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हम में जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो इस दुनिया से गुजर गए उनकी मगफरत फरमा, उन्हें जवारे में मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार जो मरीज हों उन्हें शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार इनायत फरमा, जो रोज़गार कर रहे हैं उनके रोज़गार में खैर बरकत इनायत फरमा, जन्नतुल वकी जन्नतुल मुअल्ला के बनने के असबाब फराहम फरमा। परवरदिगार फिलिस्तीन के मोमिनीन की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इज़राइल को निस्त व नाबूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब उनके ऐवान अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल जी, वक्त तकरीबन पूरा होने वाला है, दो तीन मिनट हैं, कोई सवाल तो नहीं आप लोगों का? जी नमाज में या पूरा आँख बंद के पूरा पढ़ते हैं, नमाज में आँख बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह करार दिया गया है। बाज लोगों की मजबूरी होती है, अगर कोई मजबूरी ऐसी है कि मसलन हम आंख खोल के नमाज पढ़ते हैं भूल जाते हैं और याद नहीं रहता है हमको, वो अलग चीज़ है, वरना आम हालात में इंसान को नमाज में आंख बंद नहीं करना चाहिए और आंख बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। जी जी, और तो कोई सवाल नहीं है, दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इल्म और अमल के जेवर से आरास्ता फरमाए। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में जल्दी फरमाए, हम सबको इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सुरहान की तिलावत फरमा कर इस दर्स में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमिन और इनके अलावा जो उलमा और मराजी और मोमिनीन आज हमारे दरमियान में नहीं है उनकी अरवाह को बख्श दें।